सबका साथ सबका विकास। विगत निर्वाचन बीजेपी ए आसिल निर्वाचन इश्यु धर्मियों मेरुकरण परिवर्ते बीजेपी नेतृत्व सबके साथ सबके विकास कथा कैसी अर्थात सकुए समाने उन्नयन जो पांचा बस सबके साथ सबके विकास किमान सफल हल विफल हल सब पिछर कथा कि निर्वाचन इश्यू सलनी कर बीजेपी नामुमकिन भी मुमकिन है अर्थात असम्भव सम्भव यहदरे व्यापक हार विज्ञापन प्रचार चलाले बीजेपी फल कि कार्य तो काम निदिले आरु एतिया सकलो चौकीदार आप आश्वस्त रहिए आपका ये चौकीदार पूरी तरह से चौकन्ना है। हय सोशल नेटवर्किंग साइटर जरिए चौकीदार विषयटूक लिया निर्वाचन प्रचार चलाइछे बीजेपी एबार ए ट्विटार एकाउंटसबूरले मन कर आमि राष्ट्रीय पर्यायर नेतार काखले नगई राज्यिक पर्यायर नेतार काखले गैछो बहुते निजर नामर आगत चौकीदार उपाधि लिखिछे डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मार ट्विटार एकाउंटसर आगत आछे चौकीदार मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवालर नामर आगत व्यवहार करिछे चौकीदार अर्थात चौकीदार हिमंत बिश्व शर्मा चौकीदार सर्बानंद सोनोवाल किन्तु यार विपरीते जिक नेता एबार निर्वाचन टिकट पा ना नाम आगत चौकीदार व्यवहार करा ना उदाहरण स्वरूप जयंत मल्ल जयंत मल्लर ट्विटार एकाउंटर आगत ना चौकीदार शब्द तो एया आर पी शर्मार ट्विटार एकाउंटर आगत ना चौकीदार शब्द तो कामाख्या दासर ट्विटार एकाउंट मन कर यो ना चौकीदार शब्द किन्तु चौकीदार शब्द आसे राजेन गोहाई नामर आगत अर्थात राजेन गोहाई चौकीदार ए राजेन गोहाई विरुद्ध जौन केलेंकारी अभियोग उत्थापन हुईछिल आरु एतिया राजेन गोहाई चौकीदार भूमिका पालन करिब ओलाइछे सोशल नेटवर्किंग साइटत चौकीदार एक आंदोलनत परिणत हुईछे लाख लाख लोक निजर नामर आगत चौकीदार लिखिछे दाबी करिछे बीजेपी चौकीदार इतिया बीजेपी निर्वाचन इश्यु 31 मार्च प्रधानमंत्री देशर 500 स्थान लई वीडियो कन्फारेंस करिबो 500 स्थान थाकिबो चौकीदार इसको 20 लाख लोगों ने ट्वीट किया 20 लाख पीपल ट्वीटेड इट और इसका जो इंप्रेशंस होता है वो हुआ 1680 करोड़ 1680 crores had its impressions. आपको मालूम है लोग देखते हैं और उससे अपने को ऐड करते हैं। एक करोड़ लोगों ने सोशल मीडिया और नमो ऐप पर प्लेज दिया है कि मैं भी चौकीदार हूं एक करोड़ लोगों ने और जो वीडियो था उसको ऑल प्लेटफॉर्म पर एक करोड़ लोगों ने देखा आपको मालूम है इट इज क्वाइट इजी टू कैलकुलेट दीज थिंग्स ऑन सोशल मीडिया 31 मार्च को प्रधानमंत्री जी 500 लोकेशंस पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ऐसे लोग जिन्होंने मैं भी चौकीदार मूवमेंट से अपने को जोड़ा है उनसे बातचीत करेंगे जिसमें एनडीए के लोग रहेंगे बीजेपी के भी लोग रहेंगे बाकी पूर्व सैनिक रहेंगे किसान रहेंगे अनुसूचित जाति जनजाति और आपके प्रोफेशनल्स डॉक्टर्स लॉयर्स सीएस अध्यापक ये सभी रहेंगे। रविशंकर प्रसाद नतुन दिल्ली बीजेपी कार्यालय संवादमेल आयोजन कर चौकीदार विषय जीता व्याख्या आगे से समय लंडन पर आन एक भिडिओ भिडिओ मन कर এই ব্যক্তিজন নীরব মোদী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কার্যকালতেই দেশের পৰা কেবাশ কোটি টাকা আত্মসাত করে এইজন পলাই এটা লন্ডনত আত্মগোপন করে আছে এর বিরুদ্ধে ইন্টারপোলের ওয়ারেন্ট আছে
ভাৰতে অনেক বিচাৰি ব্যাপক অভিযান চলাইছে। কিন্তু লণ্ডনৰ এখন ৰেষ্টুৰেণ্টৰ বা ৰাজপথত এইদৰে খোজকাঢ়ি ঘূৰি ফুৰিছে নীৰৱ মোদী। অৰ্থাৎ চকীদাৰে দেশত চকীদাৰী কৰি থকা অৱস্থাতেই লণ্ডনৰ ৰাজপথত এইদৰে টহল দিছে নীৰৱ মোদীয়ে। তেনেহ'লে চকীদাৰক লৈ ইমান বিতৰ্ক কিয়? ইটানগৰত ৰাহুল গান্ধীৰ চকীদাৰক আক্ৰমণ। নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে মোদীয়ে নিজকে চকীদাৰ কৈছিল। চকীদাৰে দেশৰ পৰা টকা চুৰ কৰিলে। এতিয়া চকীদাৰে আনক চকীদাৰ সজাইছে। भाषण में कहते हैं काले धन के खिलाफ लड़ाई, काले धन के खिलाफ लड़ाई, काले धन के खिलाफ लड़ाई। आप यहां बैंक के सामने खड़े थे, लाइन में आपने काले धन वालों को देखा? कोई आपको एक मिला? नीरव मोदी जो है 35,000 करोड़ रुपए वाला, वो मिला आपको लाइन में? अच्छा एक बात मुझे बताओ, आजकल हिंदुस्तान में सब चोर हैं, नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, ये सब मोदी 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 कैसे हैं? अच्छा पहले कहते थे मुझे प्रधानमंत्री नहीं बनना, इलेक्शन लड़ रहे हैं 2014 में पूरी कैंपेन की, कहते मुझे प्रधानमंत्री नहीं बनना, मुझे चौकीदार बनना है। उसके बाद चौकीदार ने भयंकर भयंकर चोरी की। अच्छा कल मैंने देखा चौकीदार कहते हैं कि हम सब चौकीदार। अच्छा भैया चोरी चोरी तो आपने की, आप सबको चौकीदार क्यों बना रहे हो? चोर पकड़ा गया कहता हम सब चौकीदार। 2014 में नहीं कह रहे थे हम सब सब चौकीदार, कह रहे थे मैं चौकीदार। भाषा निगाह कि मित्रों मुझे चौकीदार बनाओ, उन्होंने यह नहीं कहा था मित्रों हम सब चौकीदार बनेंगे, मगर परसों कहते हम सब चौकीदार, क्योंकि चौकीदार की 30,000 करोड़ रुपए की चोरी पकड़ी गई। राहुल गांधी के वक्तव्यर पीछे बीजेपी कर्मी मजदूर व्यापक प्रतिक्रिया सृष्टि। राहुल गांधी पुनः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुर बुली अभिहित कर বিজেপি কর্মী নামৰ আগত চকীদাৰ লিখিছে। যিসকলে বেয়া পাইছে তেওঁলোকে নামৰ আগত পাপু লিখক। হাৰিয়ানাৰ মন্ত্ৰী অনিল ভিজৰ বিতৰ্কিত মন্তব্য। এই হামনে আপনে নাম কে আগে চকীদাৰ লিখা হে তো কুছ লোগোঁ কো বহুত তকলিফ হো ৰহি হে, তৰহ তৰহ কে ট্বিট কৰ ৰহে হে, কমেণ্টছ কৰ ৰহে হে। আৰে ভাই কিছ বাত কি তকলিফ, हमने अपने नाम के आगे चौकीदार लिखा है तो हम अपने नाम के आगे पप्पू लिख लो, हम तो कोई इतराज नहीं करेंगे, किसी प्रकार का हम उस पर इतराज नहीं करेंगे। उल्लेखযোগ্য যে সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইটত রাহুল গান্ধীক পাপু বুলি সমালোচনা করা হয়, সেয়ে কংগ্রেসের সমর্থকসকলক বা যিসকলে চকীদারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছে তেওঁলোকক নামৰ আগত পাপু লিখিবলৈ আহ্বান জনাইছে অনিল ভিজে। এইখিনি সময়ত নতুন দিল্লীত কংগ্রেসের ফলৰ পৰা সংবাদমেলৰ আয়োজন করে, যেই সংবাদমেলত অংশগ্রহণ করে কংগ্রেসের জ্যেষ্ঠ মুখপাত্র রণদীপ সুরজওয়ালা। আজকাল পুরে দেশ মে এক চৌকিদার কি চোরি চর্চা মে হে। সচ্চাই এ হে কে মোদী বাবা আর 40 চোর আপনে নাম কে আগে চৌকিদার লগা কর বহরূপিয়া বনকর ফির দেশ কি জনতা কো ঠগনা চাহতে হে। पर लोग क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं हाय हाय री मोदी सरकार, कभी पान पकोड़े और कभी चौकीदार। सच्चाई यही है दोस्तों। फ्लॉप हुई ब्रांड के को बेचने के लिए बार बार नाम, पैकेट का रंग और लोगो बदलना पड़ता है। भाजपा की आत्ममुग्ध प्रोपगेंडा सरकार के पास भी धरातल को में दिखाने को कुछ है नहीं, और इसीलिए उन्हें मोदी जी की विफलताओं को छुपाने के लिए बार बार ब्रांडिंग और रीब्रांडिंग करनी पड़ती है। गुजरात नेता हार्दिक पटेल और अभिनव पुटीवाल।
হার্দিকে টুইটারত নিজৰ নামৰ আগত লিখিলে বেৰোজগাৰ। নিজকে নিবনুৱা বুলি দাবী কৰিলে হার্দিকে। দেশত এতিয়া বহু সমস্যা আছে। যোৱা পাঁচটা বছৰত চৰকাৰে কি কি কৰিলে তাৰ খতিয়ান দিয়াৰ সময়। কিন্তু সেইবোৰ বাদ দি এতিয়া বিজেপিয়ে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছে চকীদাৰ শব্দ। ব্যুরো রিপোর্ট, DY365।